देहरादून के प्रेस क्लब में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संघ के प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र पटोइया ने कई बिंदुओं पर चर्चा की और सरकार से कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के द्वारा पिछले एक वर्ष में 200 पत्र भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्तराखंड के सीएम और राज्यपाल को भेजे गए हैं, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग से भरने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे आरक्षित वर्ग में रोष व्याप्त है। इस दौरान एसोसिएशन की मांग पर प्रत्येक विकासखंड में एससी एसटी की समस्या के निराकरण के लिए समिति गठित करने के शासन आदेश जारी करने पर सीएम का आभार भी जताया गया। उनका कहना है कि 2012 से पदोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित है, जिससे इरशाद आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वर्तमान समय में इस पर संवैधानिक निर्णय लिया जाए। साथ ही एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि प्रत्येक विकासखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए भौतिक और मानवीय संसाधन युक्त एक एक आवासीय विद्यालय खोला जाए। इस दौरान संयुक्त मंत्री विजय बैरवान, कार्यालय मंत्री राकेश कुमार, जिलाध्यक्ष देहरादून शिवलाल रविवाल, वीरेंद्र सिंह सोनलाल आदि लोग मौजूद थे। ये 200 पद महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर चुका हूं, जिस पर मैंने पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग के पदों को भरने का जिक्र विशेष रूप से किया है। प्रदेश की सरकार से एसोसिएशन ने अपने बजट के लिए सुझाव दिए हैं। बहुत सारे विद्यालय प्रदेश में बंद हो रहे हैं। हमारी मांग है कि भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधन युक्त कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय विद्यालय प्रत्येक विकासखंड में खोले जाएं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।